अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू क्रिकेट रिएक्शन। आप लोगों ने देखा होगा मैच अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान। मैच काफ़ी अच्छा मैच हुआ और एक थ्रिलर मैच था और थ्रिल से भरा हुआ मैच था। इसे पास्ट में भी अगर हम देखें तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जितने भी मैचेस हुए हैं वो बड़े थ्रिलर मैचेस हुए हैं, बड़े इंटरेस्टिंग मैचेस हुए हैं। लो स्कोरिंग मैचेस होते हैं लेकिन बड़ा कमाल के मैचेस होते हैं। मैच शुरू होने से पहले ही एक चीज़ मैंने नोट की थी, एक है कि अरब अमारात में जो है वो टॉस फैक्टर बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है, जो कि हर टीम कैश करना चाहती। जो भी टॉस जीत के दूसरे को बैटिंग कराते हैं और सेकंड जो है वो खुद रन चेज करते हैं, तो ये फैक्टर बड़ा इम्पॉर्टेंट था। क्योंकि ये मैच शुरू होने से पहले ही दूसरी टीम पर थोड़ा सा प्रेशर एडवांस में डाल लेते हैं कि यार हमारी तो मतलब बैटिंग आ गई है, अब वो चेस करेंगे और चेस करने वाले के लिए एडवांटेजेस होते हैं, कभी कभार ड्यू फैक्टर भी होता है। एनी हाउ अफगानिस्तान ने बनाए थे टोटल 129। पाकिस्तान ने अच्छी बॉलिंग की थी, कुछ एक्स्ट्रा कुछ मिस फील्डिंग ये चीज़ें भी हुई थी, लेकिन एनी हाउ स्कोर बड़ा अच्छा बना था उनका पाकिस्तान के लिए 129। और पाकिस्तान ने भी इस 129 स्कोर को बड़ा लाइट लिया कि हम इसको इजीली चेज करेंगे। अब आते हैं पाकिस्तान टीम की प्रॉब्लम्स भी हैं। पाकिस्तान की टीम में कंसिस्टेंट प्रॉब्लम है मिडल ऑर्डर का कोलैप्स होना। इसके अलावा इस एशिया कप में बाबर आजम जो है वो कंटिन्यूसली फेल हो रहे हैं स्कोर करने में, या तो इस चीज़ का भी एक स्ट्रेस है कि T20 है, आपने ऑब्वियसली शॉट लगाने होते हैं तो इस वजह से वो जाके ज़्यादा फेल हो जाते हैं, ये एक बड़ा फैक्टर है। दूसरा जो है शायद उसको ये भी है कि मेरे बाद के जो बैट्समैन हैं वो आते हैं और मतलब है मैच में कुछ कर जाते हैं, खेल सकते हैं, विन कर सकते हैं। इसके अलावा एक प्रॉब्लम ये है कि फ़खर जमान कंटिन्यूसली फेल हो रहे हैं फील्ड में भी, और साथ में जो है वो बैटिंग भी उनसे नहीं हो रही, तो उसको भी इस चीज़ पे सोचना चाहिए, मैनेजमेंट को भी इस पे सोचना चाहिए कि शान मसूद इससे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थे इस पोजीशन के लिए, तो शान मसूद को खिलाना जो है वो मतलब है मेरी नज़र में तो बहुत अच्छा है। दूसरा कंडीशंस को भी देखनी चाहिए। फ़खर जमान और शान मसूद को अगर कंपेयर किया जाए तो शान मसूद इज़ मोर टेक्निकली साउंड बैट्समैन एज़ कम्पेयर टू फ़खर जमान। फ़खर जमान जो है वो शॉट खेल सकते हैं और वो स्लॉग शॉट जो हैं ये इस तरह की शॉट जो हैं वो खेल सकते हैं, लेकिन अब बाकी टीमों को भी उनका अंदाज़ा हो गया है कि वो किस तरह की शॉट खेल सकते हैं। जिस तरह इंडिया के अगेंस्ट युजवेंद्र चहल जो हैं वो आ गए थे और उसने जाके उसको इजीली मतलब है कैच आउट कराया, तो अब उनकी कमज़ोरियां जो हैं वो बाकी टीम्स के सामने आ गई हैं, तो इससे अच्छा है कि उसको या तो ओपन कराया जाए, ओपन भी अगर ओपन नहीं हो सकती उसकी बैटिंग नहीं हो सकती तो शान मसूद को ही उससे रिप्लेस कराना चाहिए, ये भी बड़ा फैक्टर था। इसके बाद जो पाकिस्तान की विकटें जो हैं वो कंटिन्यूसली गिरती रहीं, विकटें भी गिरती रही और एक प्रेशर जो है वो बिल्डअप होता रहा। इस दौरान जो है इफ्तिखार और शादाब अहमद ने जाके शादाब खान ने जो है वो अच्छी बैटिंग की और थोड़ा सा सहारा दिया पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप को, लेकिन उसके बाद वो भी मतलब आउट हो गए और इसके बाद के जो विकटें हैं वो भी कंटिन्यूसली गिरते रहे और पाकिस्तान के ऊपर एक प्रेशर बिल्डअप होता है। इस टाइम अफगानिस्तान ने काफ़ी पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर भी बिल्ड किया, डॉट भी काफ़ी डाले और पाकिस्तान को एक लम्हे तक बहुत रिड्यूस किया। एक लम्हा ये भी आया था कि हम सोच रहे थे कि शायद पाकिस्तान इस दफ़ा मैच हार जाएगा। एनी हाउ फिर नसीम शाह जब आए, जब इनके 9 खिलाड़ी आउट हुए थे और 11 रन गालिबन चाहिए होते हैं, तो 2 बॉलों पे जाके वो हिट करते हैं, 6 मारते हैं, तो एक बड़ा अच्छा थ्रिलर मैच था। जब भी अफगानिस्तान के साथ हमारे मैचेस हुए हैं तो बड़े इंटरेस्टिंग, बड़े क्लोज गेम हुए हैं, बड़े थ्रिलर मैच हुए, और हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान और जितने भी मैचेस हों एक थ्रिलर मैचेस हों ताकि फैंस जो होते हैं वो इंजॉय कर सकें। आई होप कि अगले मैचेस भी इस तरह होंगे, थ्रिलर मैचेस होंगे और हम इसको इंजॉय कर सकेंगे। बाकी ये कि पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर को थोड़ा सा और टॉप ऑर्डर को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना चाहिए,
कि हमें भी कुछ परफॉर्म करना चाहिए, खासकर बाबर आजम और फखर जमान। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कोई भी कमेंट हो, कोई भी हो, मैच रिव्यू पे, क्रिकेट रिएक्शन पे, यू कैन कमेंट बिलो। थैंक यू।